क्षेत्र के लोगों के बार बार शिकायत करने पर भी शिक्षा विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। इसी को लेकर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विद्यालय परिसर में संजय खान की अगुवाई में धरना शुरू कर दिया, जिनका कहना है कि विद्यालय में और टीचर जब तक तैनात नहीं किए जाते उनका धरना जारी रहेगा। आपका शुभ नाम? अमीर अहमद खान। अमीर जी, आपके विद्यालय में कितने छात्र छात्र? 201। टीचर कितने हैं? कैसे करके डील करते हैं सब बच्चों? बच्चों को कैसे डील करते हैं? सब दो क्लास तीन क्लास में अकेला ले जाते और बाकी क्लास मैम देखती है, लेकिन उनके से भी बच्चों को मतलब पढ़ने की नहीं। तो ये तो बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है। आपने विभाग को लिखा नहीं? विभाग को मैं भी अभी नया आया हूँ, अभी पिछले महीने में मेरा। कहाँ से आए हैं आप? मैं बड़े सिंह। अच्छा अच्छा, नहीं तो ऐसे कर कैसे कब तक काम चलाओगे? बस जब तक टीचर नहीं आती नहीं तो फिर परेशानी होगी। बच्चे को जैसी शिक्षा मिलना चाहिए उनको वैसी शिक्षा मिल नहीं पा रही। कैसे मिलेगी ऐसे हालात में? ये तो गहराई है बच्चों के लिए। उनका जितना भी रेशर वर्क होता है वो तकरीबन पाँच पाँच घंटे चार चार घंटे घर पे करता हूँ। घर पे पूरा एक एक मिनट मतलब मैं बच्चों को नहीं दे पाता हूँ, सारा काम स्कूल का घर पे करता हूँ।